हेलो, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ हरी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ से आपके जनवरी माह से लेकर के अक्टूबर माह तक के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं, ठीक है, उनका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर के आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जितना भी आपका जनवरी से अब तक के जितने भी करेंट अफेयर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो फॉर्मेट होगा ये एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन पे के आधार पे आपके करंट अफेयर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन किस अवसर पर किया गया। देखिए, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, ठीक है, ये टॉपिक कवर हो चुका है और इसके बारे में आप लोगों को पता है कब स्टार्ट हुआ था। तो 17 जुलाई, 17 जुलाई से लेकर के, ठीक है, 17 जुलाई 2023 से लेकर के आपके 27 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये कौन सा संस्करण है? आपके दूसरा संस्करण है, ठीक है। पहला संस्करण आपके 6 अक्टूबर से लेकर के 10 जनवरी तक चला था, ठीक है, 2022-23 में। उसके बाद इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट होता है आपके 17 जुलाई। तो ये जो 17 जुलाई का जो डेट है ये किस दिन पड़ा था? तो ये आपके हरेली त्योहार के दिन पड़ा था, ठीक है। और हरेली त्योहार हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग सावन अमावस्या को मनाते हैं। कब मनाते हैं? आपके सावन अमावस्या को हम लोग क्या मनाते हैं? हरेली त्योहार मनाते हैं। हरेली त्योहार क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, ठीक है। और आपके छत्तीसगढ़ में कुल 7 पर्वों को क्या किया गया है? सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, उसमें से आपका हरेली भी क्या है? शामिल है, ठीक है। इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, टॉपिक कवर हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरेली त्योहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई है, इसमें आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे 35, 60। ऑप्शन ए है इसमें आपका 3,560, उसके बाद 2,860, सी ऑप्शन है आपका 2,260 और डी ऑप्शन है आपका 2,160। तो आपके राम वन गमन पथ की कुल लंबाई पूछी गई है, ठीक है, और इसके प्रथम चरण की कुल लंबाई आपका कितना है? तो 2,260 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2,260 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में आपके सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ के लिए बात की गई है, कौन है? आपके रवि चौबे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर देश की बात करें तो देश में कौन है? आपके अमित शाह हैं, ठीक है, इतना आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कोई उप मुख्यमंत्री बना है, ठीक है। तो हाल ही में अभी किसे बनाया गया है? तो अभी TS सिंहदेव, पूरा नाम इनका है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, ठीक है। इनको क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री पहली बार बना है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपके विभिन्न विभाग हैं और उन मंत्रियों के नाम है, ठीक है, आपके विभिन्न विभाग है और संबंधित मंत्रियों के नाम है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। कवासी लखमा ये आबकारी मंत्री है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ताम्रध्वज साहू ये कृषि विकास एवं कल्याण किसान कल्याण योजना, ताम्रध्वज साहू कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय संबंधित है, ठीक है, ये भी सही है। TS सिंहदेव, इनको ऊर्जा मंत्री का नया कार्यभार दिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। अमरजीत भगत आपके खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अमरजीत भगत आपके संस्कृति विभाग संबंधित है और ये जो आपका खेल एवं युवा कल्याण विभाग है इसका दायित्व किसे दिया गया है? तो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं आपके उमेश पटेल, ठीक है, इतना आप लोग याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किताब बैटल नॉट एट ओवर के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, विश्वभूषण हरिचंदन, रमेश सिन्हा और डॉक्टर संजय अलंग, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? आपके विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? तो ये है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ठीक है।
कौन है आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, इनकी किताब है बेटल नॉट एट ओवर, और जिनको इन्होंने क्या किया है, भेंट दिया है किसको आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, नवनियुक्त राज्यपाल आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी ने उनकी किताब आपके बेटल नॉट एट ओवर वो भेंट किया किसको आपके द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के किस गौठान को पुरस्कृत किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के तीन गौठानों को पुरस्कृत किया गया है, इसमें आपके अमलीडीह शामिल है, ठीक है, चंद्रपुरी शामिल है और हिर्री ये भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस जिला प्रशासन द्वारा 10,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, मतलब किस जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया जिसमें आपके सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर कितने लोगों ने, 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ कर क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है इसमें सरगुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ हो जाएगा। किस दौरान, तो आपके रामायण महोत्सव के दौरान, ठीक है, रामायण महोत्सव के दौरान यह रिकॉर्ड बना था, और इसके लिए आपको कौन बनाया, तो रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में आपके अरण्यकांड से संबंधित रिकॉर्ड भी बना था आपका। अगर रामायण महोत्सव 2023 की बात करें तो ये कौन सा संस्करण है आपका, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, तो ये इसका पहला संस्करण है। कब से कब किया गया था, तो आपके 1 जून से लेकर के कब तक, आपके 3 जून तक आपका आयोजन किया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपका रामायण महोत्सव, इसको आप लोग देख लीजिएगा किस जिले में, तो आपके रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ के रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित जिला कौन सा है। तो इसमें आपके भूमि सम्मान प्लेटिनम कैटेगरी में आपका जो सर्टिफिकेट मिला है, जो सम्मानित किया गया है, उसमें 2 जिलों को सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों को इसमें सम्मानित किया गया है। इसमें से आपके सरगुजा और बेमेतरा दोनों शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अभी हमने बात की है, ठीक है, रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, रामलीला मैदान रायगढ़ में किया गया। ठीक है, कौन सा संस्करण है आपका, पहला संस्करण है, इतना आप लोग याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। इसमें से दिया गया जो ऐप है उसमें हाल ही में आपके मोर रायपुर ऐप को क्या मिला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत ग्राम सरोदा दादर किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसमें से एक फैक्ट तो ये निकल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 किसे मिला है, किस गांव को मिला है, तो आपके सरोदा दादर को मिला है। ठीक है, और यह किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवर्धा जिले, यानी कि कबीरधाम जिले में यह स्थित है। तो इतना आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन सा है। हाल ही में आपके राष्ट्रीय पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन सा है, तो इसमें जो अभियान है आपका ये कौन सा, आपका हेलो जिंदगी। यहाँ से क्या फैक्ट निकलेगा, हेलो जिंदगी किसके द्वारा चलाया गया, तो रायपुर पुलिस द्वारा चलाया गया। किस लिए चलाया गया, तो आपके नशे के खिलाफ चलाया गया। ठीक है, इतना आप लोग नोट करके रखेंगे, हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान। उसके बाद आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका योजना है मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम को यहाँ पे देख लेना है कौन सा पूछा गया है। इसी प्रकार का एक और योजना है मुख्यमंत्री आपका पर्व सम्मान निधि योजना। ठीक है, और ये कौन सा है आपका मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। तो इसका जो डेट है आपका मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का, ये कब है आपके 13 अप्रैल 2023।
वहीं पे अगर बात करें मुख्यमंत्री पर्व व सम्मान निधि योजना का, तो इसका डेट आप लोग याद रखोगे 20 अप्रैल 2023, ठीक है? कब आपका? 20 अप्रैल 2023, दोनों डेट आप लोगों को याद रखना है। ये आदिवासी पर्व है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में लागू होगा, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आपका कौन सा है, तो मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है? इसका डेट है आपका 20 अप्रैल 2023, और आपके आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का डेट है आपका 13 अप्रैल 2023, ठीक है? इतना पॉइंट आप लोग याद रखोगे। आगे हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है? अभी आगामी में क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, तो इसके प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर आपका चुनाव होगा? तो प्रथम चरण में आपके 20 सीटों पर चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में कुल दो चरणों में क्या होगा, चुनाव होगा। पहले चरण में आपके 20 सीटों पर, और दूसरे चरण में आपके 70 सीटों पर क्या होगा, चुनाव होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो आपके कुल कितने विधानसभा सीट हैं आपके छत्तीसगढ़ में, तो 90 विधानसभा सीट है। इसका आंसर आप लोग देखोगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 विधानसभा सीट, ठीक है? कब किया जाएगा, तो ये आपके 7 नवंबर को किया जाएगा। चुनाव आपका कब होगा, 7 नवंबर को होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में कुल कितने सीटों पर, तो द्वितीय चरण में कितना है आपका, 70 है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला वायरोलॉजी लैब कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश में मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है। अगर हम लोग राज्य की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो मत्स्य बीज उत्पादन पूछा गया है, ठीक है? और मत्स्य बीज उत्पादन में देश में इसका कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। वहीं पे अगर बात करें मत्स्य उत्पादन में, अगर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछे, तो देश में कौन सा है आपका, 6वां स्थान है, ठीक है? बीज उत्पादन में आपका 5वां है, और आपके मत्स्य उत्पादन में कौन सा है, 6वां है, ठीक है? मत्स्य उत्पादन में आपका ये कौन सा है, आपका मत्स्य बीज है, ठीक है? और ये मत्स्य उत्पादन, इसमें कौन सा स्थान है आपका, 6वां। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसमें आपका एक चर्चित नाम है, कौन आपका, नंद कुमार साय। पहले किस पार्टी से थे, तो ये पहले आपके बीजेपी से थे, ठीक है? आप लोग याद रखोगे ये भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग देकर किस में प्रवेश किया है, आपके कांग्रेस में प्रवेश किया है, और इन्हें क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे, आपके नंद कुमार साय, ठीक है? इतना आप लोग इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा, रमेश सिन्हा, ठीक है? कौन से क्रम के हैं, तो ये आपके 15वें क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है? इतना पॉइंट आप लोग इसमें याद रखोगे, रमेश सिन्हा क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, ठीक है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम आपके मुख्य न्यायाधीश, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, कौन है आपके, WA शशांक। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? वहीं पे आपके एक और मुख्य न्यायाधीश है जिनका हाल ही में क्या हुआ है, आपका निधन हुआ है, ठीक है, TB राधाकृष्णन। ये भी क्या है आपके, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है? तो अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, WA शशांक। दोनों पॉइंट आप लोग नोट करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान में निम्न में से किसे कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार आपके क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है? आपके रेशम कीट और मधुमक्खी पालन दोनों को क्या हाल ही में क्या मिला है, कृषि का दर्जा मिला है, ठीक है? हाल ही में आपके मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को भी क्या किया जाएगा, आपका कृषि का दर्जा दिया जाएगा। कुटकुट पालन आपके पहले से कृषि में शामिल है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इतना पॉइंट आप लोग इसमें याद रखोगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के खिलाड़ी दुर्गा चंद्राकर किस खेल से संबंधित है। तो ये जो राज्य के खिलाड़ी हैं दुर्गा चंद्राकर, इनका जो संबंधित खेल है ये कौन सा है आपका, बॉक्सिंग है। कौन सा है आपका, बॉक्सिंग। इतना आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में राज्य किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स में 2023 में हुआ है। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 के लिए किसका चयन हुआ है, तो आप लोग याद रखोगे गंगा सोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा सोना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गंगा सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। महानदी जल विवाद पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे किन राज्यों के बीच, तो आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ वर्सेस आपका क्या, उड़ीसा। ठीक है, इन दोनों के बीच आपका कौन सा विवाद चल रहा है, तो महानदी जल विवाद चल रहा है। इसके लिए जो न्यायाधिकरण है इसका गठन किया गया है, और इसमें आपके क्या हैं, तो एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, दो सदस्य हैं और दो क्या हैं आपके, अतिरिक्त सदस्य हैं। तो इसमें अध्यक्ष की बात की गई है, तो इसके अध्यक्ष कौन है आपके, जस्टिस AM खानविलकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पद्मश्री से सम्मानित उषा बाले निम्न में से किस विधा से संबंधित है। अभी आपके वर्ष 2023 के लिए जो पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है उसमें छत्तीसगढ़ के तीन व्यक्तियों का नाम पद्मश्री में है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके एक साथ तीन पद्मश्री अवार्ड आपके छत्तीसगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो इसमें आपके उषा बाले किस विधा से संबंधित है इसको आप लोगों को बताना है। तो ये आपके पंडवानी गायिका है। ठीक है, कौन है आपके, पंडवानी गायिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पंडवानी गायिका, इतना आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कथा साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में आपके विश्व कथा साहित्य सम्मान से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो आपके जो परदेशी व राम वर्मा है इनको क्या किया गया है, विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाल ही में किसे IPC अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें आप लोग नाम नोट करके रखोगे भावना गुप्ता। ठीक है, भावना गुप्ता क्या मिला है, हाल ही में IPC अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपके शिक्षक दिवस के अवसर पर आपका राज्य के कुल 52 शिक्षकों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। वहीं पे चार शिक्षकों को क्या मिला है, तो स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, 52 में से चार को क्या मिला है आपका, स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखोगे। आपके कुल अगर शिक्षक पूछे तो कितना बताना है आप लोगों को, 52 बताना है। वहीं पे अगर कितने लोगों को स्मृति पुरस्कार पूछे तो आपको बताना है चार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 52 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के चार शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, इसमें शामिल शिक्षक हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें आपके मधु तिवारी, रश्मि वर्मा और इंदिरा चंद्रवर्ती तीनों शामिल हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। इसमें निम्न में से ये जो चारों नाम हैं इनको स्मृति सम्मान दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इन चारों को क्या मिला है, आपका स्मृति पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपको बताना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा चंद्रवर्ती को क्या मिला है आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य की किस योजना को पृथ्वी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन है नरवा विकास योजना, ऑप्शन बी है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, ऑप्शन सी है आपका किसान न्याय योजना और ऑप्शन डी है इसमें आपका गोधन न्याय योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए नरवा विकास योजना क्या मिला है आपका, पृथ्वी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना को सम्मानित किया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हमारे राज्य में चलाया जा रहे जो आपका मुख्यमंत्री मितान योजना है,
ठीक है, इसको डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में आपका सम्मानित किया गया है, यही यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना को कब लागू किया गया, इसमें पूछा गया है, चार ऑप्शन है आपके पास, 5 अक्टूबर 2023, 6 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 और आपके 8 अक्टूबर 2023। ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे पूछा गया है कब लागू किया गया। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है योजना संबंधित, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं और वहां पे मैंने बताया है कि ये जो योजना है आपका मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना, इसमें आप लोगों को तीन डेट याद रखना पड़ेगा, एक आपका लागू डेट, ठीक है, एक आपका क्या, तो आपका राजपत्र में प्रकाशित, ठीक है, राजपत्र में आपका प्रकाशित, उसके बाद आप लोगों को देखना है इसका शुभारंभ, क्या देखना है आप लोगों का, शुभारंभ। ठीक है, तो अगर इसका शुभारंभ पूछता है तो इसका शुभारंभ आपका क्या बताना है आप लोगों को, 7 अक्टूबर 2023 बताना है। वहीं पे राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो आपके 6 अक्टूबर 2023 को हुआ, लेकिन ये आपका लागू कब से है, तो ये लागू है आपका 5 अक्टूबर 2023 से, क्या है आपका, लागू है। किस प्रभाव के कारण, तो आपके भूत लक्षी प्रभाव के कारण। ठीक है, और भूत लक्षी प्रभाव कहने का आशय क्या हो जाएगा आपका, बैक डेट में किसी भी योजना को क्या करना, लागू करना। ठीक है, शुभारंभ आपका 7 अक्टूबर है, लेकिन लागू कब से किया जाता है आपका, 5 अक्टूबर से, क्या है ये, प्रभावशील है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लागू डेट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना हेतु जारी टोल फ्री नंबर है, तो इसके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो कौन सा है आपका, 1962, इसका क्या है, टोल फ्री नंबर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री मितान योजना हेतु क्या आपका टोल फ्री नंबर। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री गौवंश सुरक्षा योजना के लिए आपका टोल फ्री नंबर है 1962। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में, इसके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो कौन सा है आपका, 14545। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना अंतर्गत बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर आने वाले बच्चों की आयु कितनी की गई है। ठीक है, पहले आपका क्या था कि ये आपका बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर आने वाले बच्चों की जो आयु सीमा थी वो कितनी वर्ष थी आपके, 18 वर्ष थी। ठीक है, ये पहले की बात है, लेकिन अभी 18 से बढ़ा करके इसको कितना किया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है आपका, 21 वर्ष कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, इसमें शुभारंभ डेट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 जून 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, पीएम श्री हेतु राज्य के कुल कितने स्कूलों का चयन किया गया है। पहले चरण में आपके छत्तीसगढ़ के कुल कितने स्कूलों का चयन किया गया है, तो कुल आपके 211 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रस्ताव कितना भेजा गया था आपका, 288 भेजा गया था। ठीक है, और आपके सर्वाधिक कोरिया जिले से कितने स्कूलों का चयन किया गया है, तो 17 स्कूलों का यहाँ पे पीएम श्री योजना है तो आपका चयन किया गया है। ठीक है, आपके देश भर के कुल कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा इसमें, तो 14,500 स्कूलों का इसमें चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से आपके 211 शामिल हैं। ठीक है, ये पहला चरण की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें नोट करके रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, वायदे से ज्यादा काफी टेबल बुक का विमोचन कब किया गया, तो इसका जो डेट है ये कब किया गया आपके, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, राजीव युवा मितान सम्मेलन के अवसर पर इसका विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो आपके जो विशिष्ट अतिथि थे राहुल गांधी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत राज्य के कुल कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है, इसमें छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल आपके
कुल आपके 32 रेलवे स्टेशनों का चयन कर इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके पहले चरण में आपके कुल 7, 36 के 7 आपके रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 7 चयनित रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है, ठीक है। जो आपके 7 रेलवे स्टेशन का पहले चरण में चयन किया गया है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, इसको आप लोगों को बताना है। तिल्दा शामिल है, नेवरा भी शामिल है और अकलतरा भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है आपका? शक्ति शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। कितने का चयन हुआ है पहले चरण में आपके 7? कुल कितने का चयन किया जाएगा? तो आपके 32 का चयन किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, राज्य में यूट्यूबर विलेज तुलसी किस जिले में स्थित है, ठीक है। यूट्यूबर विलेज के नाम से प्रसिद्ध जो गांव है तुलसी, ये आपके, ठीक है, रायपुर जिले में स्थित है, तुलसी नेवरा, ठीक है। याद रखोगे आप लोग, तुलसी नेवरा किस जिले में स्थित है? आपके रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जल सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश के 43 आकांक्षी जिले में राज्य के किस जिले को क्या मिला है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, किसे मिला है? आपके नारायणपुर जिले को मिला है, ठीक है। आपके राज्य में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 आकांक्षी जिले हैं, इसको आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किसे 15वां नगर निगम घोषित किया गया है या दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो 15वां नगर निगम बना है, कौन सा है? आपका महासमुंद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, चार महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली राज्य की पहली पर्वतारोही है, तो ऐसा करने वाली कौन है? आपका यासी जैन है, ठीक है। कहाँ के निवासी हैं आपके? तो रायगढ़ के निवासी हैं, इतना आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान की बात की गई है, तो इसमें जो नाम है ये कौन है आपका? रेखा कुजूर, ठीक है। और ये जो स्नेहा पटेल है, इनको क्या कहा जाता है आपका? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान आपका फुगड़ी क्वीन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फुगड़ी क्वीन की संज्ञा किसे दी गई है? आपकी स्नेहा पटेल। और महिला सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान सम्मानित कौन है? आपके रेखा कुजूर है। वहीं पे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आपके सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसे मिला है? तो आप लोग नाम याद रखोगे, राजा राम त्रिपाठी, ठीक है। कौन सा आपका? राजा राम त्रिपाठी, ये क्या है? किसान अवार्ड प्राप्त करता है, ठीक है, किसान अवार्ड। अब तक इन्हें 5 बार क्या मिल चुका है? किसान अवार्ड मिल चुका है कि इन्हें आपके राजा राम त्रिपाठी को। अगर पूछे आपको सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान, तो आप लोगों को बताना है रेखा कुजूर, ठीक है। वहीं पे आप लोगों को पूछे कि छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ पे है, तो ये आपके कहाँ पे है? बहराड़ी, जो कि आपके जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ की विशेष जनजातियों पर लिखी पुस्तक जातरा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है आपका, किस पर लिखा गया है? छत्तीसगढ़ की विशेष जनजातियों पर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जातरा। और इसके लेखक कौन है? तो आपके डॉक्टर सत्यजीत साहू है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो माता कौशल्या महोत्सव मनाए जाने की घोषणा होती है आपके 26 जनवरी 2023 को, ठीक है। कब? आपके 26 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। लेकिन इसका जो आयोजन डेट है, ये कब है आपका? 22 से 24 अप्रैल 2023 को माता कौशल्या महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आपके चंद्रखुरी में, ठीक है, कहाँ पे? आपके चंद्रखुरी में मनाया गया, इतना आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वर्ष 2023 में कुल कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका वर्ष 2022-23 में कुल कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? तो इसका जो आंसर है कितना है आपका? 1,07,53,024 मीट्रिक टन आपका धान खरीदी किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनने वाले थे, ठीक है, उनका आपके एमसीक्यू पैटर्न में इस वीडियो में आपका समावेश किया गया है।
वीवीएस आपके करेंट अफेयर से वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इस पे आएंगे तो आप लोगों से अधिकतर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके।